फूफा का नाम मत लेना मेरे का, बता रही हूँ मैं। फूफा नहीं। Hey guys, welcome back to my अंदर vlog। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर सब बढ़िया हैं। और आज का vlog थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है जब आप बने रहोगे vlog में तब देखोगे। सो अभी बताए साक्षी, सबसे पहला चांस साक्षी का है और इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन या जो भी गाना वाना जो पूछना है मुझे, कंट्री का नेम पूछ सकती हूँ, सिटी का नेम है और गाना आपको कम्प्लीट करना है, ठीक है? तीनों चीज मैं हाफ हाफ पूछूंगी, इन तीनों में से किसी को भी आपको कम्प्लीट करके बताना है, ठीक है? और अगर आपने सही आंसर दिया तो दो गोलगप्पे आप खा सकती हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है? और एक एक करके नंबर आएगा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, गेट रेडी। यस, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको ना एक कंट्री का नेम बताना है जिसके लास्ट तीन अक्षर हैं A T T A N। टी ए, हाँ, लास्ट के पाकिस्तान, टी ए एन, यहाँ पाकिस्तान में टी ए एन, हाँ खा लो, या फिर कजाकिस्तान, हाँ चलो खाओ जल्दी, yeah. हाओ, वेरी गुड, चलो हटो, नेक्स्ट आओ। चलो रिशु, ऐसी कौन सी सिटी बता दो आप, वो सिटी जिसके लास्ट में आर ए आता है। अभी गए तो क्या आप प्लीज ना बताएं, रिशु वो सिटी बताओ जी। साक्षु क्यों बता रहे हो? ये क्या बात हो गई? मामा घर आ रहा है, ये क्लैपिंग कर लो, ये क्या बात हो गई? ये तो चीटिंग है भाई, चीटिंग है। उसे खान तो दो, ए रिसीव तक। मैं खा रही हूँ ना उसे। अब है मानी की बारी, मानी तुम बताओ वो वाली कंट्री बताओ जिसके सबसे लास्ट में ए आई एन आता है, स्टार्टिंग में ए, लास्ट में, लास्ट में, यस, लास्ट में ए आई एन आता है। जापान। अपने में तुम्हें बताया नहीं क्या? अब बता, जापान। चुप। ए आई एन थ्री लास्ट वर्ड है उस कंट्री के। बताइए 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 बताइए, आगे जाते ही तुम शांत रहो, ठीक है? जस्ट शट अप मानी। ए आई एन कोई कंट्री, चलो आ जाओ, उठो, बाद में आना, चलो मैं बताऊं। जो मानी ने बताया था ना वो था स्पेन, ठीक है? दोबारा क्वेश्चन करा जाए, हाँ। अब चल, वो ऐसी वो कंट्री बता जिसमें डी आई ए लास्ट में, सबसे इजी। यस, वेरी गुड। अपने तो इसका गला खराब होते तो गोलगप्पे खाएगी नहीं। आ जाओ, चलो खड़े हो जाओ, आप नेक्स्ट डॉक्टर साहब की बारी। यस, मैं रख लूंगा यहाँ, दो ही खा सकते हैं। अच्छा, अब आपकी बारी है, आपके लिए मैं पूछती हूँ, आसान डिफिकल्ट सा। हाँ, ए आई एन लास्ट में ए आई एन है, नहीं वो तो हो गया, वो हो गया लास्ट में ए आई एन, बताइए सर। कंफ्यूज हो रहे, अभी तो बहुत कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब बताइए, हाँ बताइए बताइए। अरे थोड़ी ये पान होता है, जल्दी बताइए, इतना टाइम है क्या? आई एन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, बस आई एन, हट जाओ, चलो हट जाइए सर जी, हट जाइए, खा लिया आपने गोलों पे, आ जाइए, आपके बस के नहीं है। मैं हाँ, साक्षी बताओ, ए आई एन, ए आई एन, एक तो स्पेन है, सबसे लास्ट में, एक तो स्पेन है, यस, और जल्दी बताओ, ए आई एन है उस कंट्री के लास्ट में आते हैं, शब्द बताओ कितने, हट जाओ, चलो हटो, बस एक मिनट, हट जाओ, नहीं रुक रही, रुक रही, रुक रही, सामने उल्टे सीधा। मानी तुम बताओ, ए आई एन, दाजी हमारे ये गलत बात है, हड़ताल हो जाएगी, बताओ बताओ, गोलगप्पा हड़ताल हो जाएगी, हाँ नहीं, ए आई एन, चलो ठीक है, ए आई एन नहीं आया अभी, यूक्रेन, यूक्रेन, ए आई एन आता है यूक्रेन में, ठीक है? ये लेट गया नीचे, यूक्रेन, यूक्रेन की स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, मैंने सही लिखा है, ए आई एन ई, तो ए आई एन तो आता है, क्यों नहीं आता? नहीं 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 नहीं, जो गलत बात नहीं, हट जाओ, क्यों गलत? नहीं 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 नहीं, सवाल गलत किया है तो जवाब भी गलत मिलेगा, तो ए आई एन है कि नहीं है? मम्मा बोले लास्ट में आता है, नहीं आता है, सॉन्ग की बारी आ गई, चलो सॉन्ग, नहीं चखे जाएंगे,
ये बकवास बाजी है, कोई नियम कानून है ही नहीं है। गलत जवाब और गलत ही दंड मिलेगा। चल मानी, अब तेरी बारी है, ठीक है? आंटी का जवाब पूछ लो। अब ये है गाना, रब हंसता हुआ रखे तुमको। क्या? रब हंसता हुआ रखे तुमको, उसके बाद से कम्प्लीट आदत हो। कम्प्लीट कर दूँ तेरे को, आज गोलगप्पे नहीं खाने क्या? बोलो फिर से एक बार मैं फिर से बोलूँ। रब हंसता हुआ रखे तुमको, रखे तुमको, तुम हंसने की तुम्हें हंसने की आदत हो। आज मानी को एक मिनट को, मैंने सुना है यार गाना। नहीं तो मैं नहीं पता, सही बोल रही थी, कोशिश तो कर उस वर्ड को सही कर। तुम तो हंसने की आदी हो। आदी सही है, तुम तो हंसने की आदी हो, पहले तुमने आदत बोला था ना। हाँ बस ये गलत है, खा लो अपने गोल गप्पे अब दो। लास्ट में नंबर आ गया है। सवाल ही तूने कर रही है, चलो देखता ही रहे गोलगप्पों की तरफ। और चलो आप मानिए, अपने गोलगप्पे लेके साइड में आ लो, अपनी कटोरी लो। हाँ अब आई विदुषी, आप खाओगी कुछ इसको? तू चने खा लियो, खा ली ठीक है, आ जा गोलगप्पे में डाल के चने खा ली। हाँ सॉन्ग का तो विदुषी आराम से हो जाएगा ना। ये नेक्स्ट सॉन्ग है, तो नेक्स्ट सॉन्ग है तेरा मेरा जन्मों का नाता है, इसको कंप्लीट करो। ये कौन सा गाना है? तेरा मेरा जन्मों का नाता है, ये पहली बार सुन रहे हैं। तेरा मेरा जन्मों का नाता है, साथ साथ आता। तेरा जन्मों का नाता है, कभी नहीं आता है। अच्छा ये गाना मैंने कभी सुना ही नहीं। नहीं सुना तो आजा बेटा, चने भी गए। डॉक्टर साहब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। तेरा मेरा जन्मों का नाता है, कोई और कोई हमें गोलगप्पे खिलाता नहीं है। अरे बताओ जल्दी। क्या बताऊं? गाना है, लय में गाओ तब तो कुछ समझ में आएगा। फायदा क्या है? ये वर्ड है, ये तेरा मेरा जन्मों का नाता है। मेरा जन्मों का नाता है, रहन दे, बताओ जल्दी। तेरे मेरा तुम्हारा। सही से बताओ। सही से क्या बताऊंगा? हट जाओ, फिर हट जाओ, बैठ लो। तुम किसी को नहीं आता ये गाना, ये है तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है। ठीक है अब ताक्षिकम, ताक्षिकम हाँ ये क्या बात हो गई? ये बताओ, बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है, उसके बाद क्या क्या लिखा है बताओ, उसके बाद कंप्लीट करो। जो मैंने ये लाइन बोली है इसके बाद इसको कंप्लीट करना है आपको। एक कौन सा है? मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, उसके बाद बताओ। गोलगप्पा रख पहले नीचे, किसे गोलगप्पा रखी नीचे? हाँ मोहब्बत, इधर देख, इधर बता मेरे चेहरे पे क्या क्या है। बताओ 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 मेरे, हट जा हट जा, उठ जा उठ जा, मानी बताओ। पहले तो ट्विनिंग है थोड़ी। हाँ ट्विनिंग को छोड़ दू, वर्ड कंप्लीट कर उसका जो बोल है लिरिक्स। बैठ जा, ये बैठे गाना अपना याद कर रही है। अब कुछ ये देखो भैया, गोलगप्पे तो मिलेंगे नहीं तुझे। जल्दी बहुत सी नहीं गाना है ये, समझाओ समझाओ। मैं सर पकड़ लिया, तुझे नहीं आ रहा मैं बता नहीं मैं बताती हूँ। इस सॉन्ग का लिखा हुआ है, उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। कुल मिला के तुम ऐसा काम कर रही हो, आ जाओ कि सारे के सारे गोलगप्पे तुम्हारे पास आ रहे हैं।
हम सभी ने देख के ललचाते रहे और कुछ आया का है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आओ। मेरे पास तो घंटा जानसी नहीं। अब बताओ आप, घर बार चोखो ना चाहिए दहेज? मैं बताऊं? नहीं 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 होगा। घर बार चोखो न चाहिए दहेज, उसके बाद कंप्लीट द सॉन्ग प्लीज। तो ताकि तुम शांति से बैठ जाओ। राम राम, नहीं 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 ऐसे नहीं है। गाना कंप्लीट करो, इसके बाद वर्डिंग क्या है? ताकि चुप बिल्कुल, बताइए। अरे इसे हटाओ, ये नहीं 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 इसे हटाओ, हाथ हटाओ। आपको आता है गाना तो बैठो वरना जाओ। साक्षी कम वापस बताओ। घर बार चोखो ना चाहिए दहेज, सूट पैर अगर तू लइए लगेज और सारी छोरिया ते रखू परेज लगे कीटो से टाइट ने रखू सके। हां का गोल गप्पे हो रही है तू, गोल सारे घर गोल गप्पे हम तो देख के चलते हैं। बस साक्षी हटो, अपने गोल गप्पे लो, हटो, नेक्स्ट चांस है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अब नेक्स्ट मानी फिर आई है, लेकिन देखो मानी सही से बता पाती है या नहीं बता पाती। ये है देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है, इसको कंप्लीट करो। मेरी पप्पी के सर में दर्द। हमारी पप्पी के सर में कुछ ना हुआ। बताओ बताओ क्या? देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है, उसके बाद कंप्लीट करो इस सॉन्ग को। मुझे लगता है तुम लोग गोलगप्पे देख के ना सब भूल गए हो, तो कोई से गाना याद नहीं आ रहा। याद आ रहा तेरे को? हाँ याद करो। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है, सुनो उस गाने के स्टेप करके दिखा दे, विदुषी समझ जाए सन। मुझे पता है, हिंट तो दे दिया करो थोड़ा सा। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है, मम्मा मैं बताऊं मुझे आता है। बंदर का ब्याह हुआ है। मुझे आता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शांत 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 बोलो मानी बोलो, अट जा। मैं बताऊँ गाना ये वो ये है, तेरी यादों में खोकर। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है, तेरी यादों में खोकर ये इश्क हाय। अच्छा हाँ, रिशु करो, मैं आपको गाना बताती हूँ। लास्ट सॉन्ग आ रहा है लास्ट, ठीक है? और कौन बैठेगा आप दोनों में से? डॉक्टर साहब का नंबर है। विदुषिया चलो आ जाओ, अंकल को तो फिर ही बैठना। अब है चांद सिफारिश जो करता हमारी। मानी पर टफ चला गया है। अब ये तो खाऊं हाँ, इस बार तो पास, सही बोला। चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, देता वो तुमको बता। चलिए सर, अब मम्मा कंट्री वाले होंगे वापस। नहीं मानी, बहुत इजी है, बहुत इजी, इससे ज्यादा इजी नहीं होगा, तू आराम से बता देगी, ठीक है? के पेठा कहाँ का फेमस है? अरे बस तो कोई नहीं बता देगा। मानी मैं रेडी हूँ। मानी पेठा क्या होता है? पेठा अब मानी को कूटने की जरूरत आ गई है। इसी क्या हो सकता है बताओ? और पूछो सवाल। हाँ हो गया, भगने चुपचाप बैठ यहीं पे। मेरे का तो नहीं आ गई, मैंने बोला ना मेरे। हाँ चलो आप ना ले लो एक गोलगप्पा, विशु ने सही बताया ना इसीलिए, ठीक है? तेने कभी पेठा नहीं खाया? मैं भी खाती। बस बस यही सुनना रह गया था, यही सुनना रह गया था। खाते हैं वाइट वाइट कच्ची ना, सब कच्ची ना होता है वो पेठा, मीठा सा, पत्थर सा। हां भाई पत्थर सा, ये तो बुरा लगता है। अच्छा अच्छा चलो ये बताओ, कोई बात नहीं, हम जहाँ रहते हैं ये कौन सा शहर है? काशीपुर। काशीपुर किस राज्य में आता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, हाँ वेरी गुड, ये तो सही आंसर है। हाँ, और
उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? बहन तूने ये नहीं बता रहा तो ऐसा फेंक के मारूंगी। मैं तो बता रही हूं। अरे सुन, क्या है इसके ना कनपट्टी पे ऐसे दो टमाटे, इसके ऐसे दो होता। तूने वो बताया उत्तराखंड, उसके लिए दो गोलगप्पे उठा ले बस, एक नहीं दो खा। अब मेरी चांस पापा की ये तो कुछ भी है। दूसरी हाँ। दूसरी चलो कोई ऐसा शहर बताओ जिसके बीच में एन और पी आता है। एन और पी, अलग अलग जगह है। पहले तो हाथ उठा देंगे ठीक है, उसके बाद आगे आगे है। इतनी तेज चिल्ला रहे हो। सहारन सहारनपुर के डॉक्टर साहब ने सही बताया। अरे यार ये तो चीटिंग है। नहीं उन्होंने सही बताया। अब नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें पी और ए आता है स्टार्टिंग में? पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हो गया वैसे, मैं सिटी बोलना चाह रही थी। सिटी सिटी पेरिस या फिर पानीपत। पानीपत भी सही है। कितनी बताऊं मैं? हाँ हाँ ठीक है, कितनी बताऊं मैं? मीन बनाती रहेगी वीडियो। बस मैं अब मैं नहीं बना रही व्लॉग, मुझे गोलगप्पे खाने बहुत हो गया। आंटी से पूछो। क्यों आंटी इतनी देर से सबकी घंटी बजा रही, जब कुछ नहीं है, जब अपनी बारी आ गई तो रहने दो। आंटी क्या पूछो बताओ, बैठ अब तो बोलिए सर। सोचोगे आगरा की कोई चार मशहूर चीजें बताओ। आगरा की कोई चार मशहूर चीजें, क्या बताया? ताजमहल है और एक आगरा का पेठा हो गया, दो चीज हो गई। और तीसरी आगरा की क्या चीज फेमस है? मैं बताऊं, मीनू गुर्जर है ना। चार चीजें हैं जो इतनी फेमस है। क्यों इतने सारे मॉन्यूमेंट हैं? मॉन्यूमेंट ऐसे तो मैं किसी को बता दूं तो बता दो फिर। अकबर टॉम हो गया, लाल किला हो गया आगरा का, ताजमहल हो गया, ठीक है, पेठा हो गया, ठीक है। अब तो मैं एक गोलगप्पा खा सकती हूँ। एक बोल गया फुप्पा। एक फुप्पा का नाम मत लेना मेरे का, बता रही हूँ मैं। नहीं ये और बहनों इस टाइम सबने उल्टे सीधे जवाब दे दे के कुल मिला के सबका यही था कि किसी तरह से गोलगप्पे हड़प लिए जाए, और इस टाइम सब गोलगप्पे हड़पने पे लगे हुए हैं। ये जो लास्ट गोलगप्पा बचा है इसे छोले भर के इसे दे दो विदुषी को। मुझे विदुषी को, विदुषी विदुषी को अलग खराब है। और आखिरी गोलगप्पा जो है रिशु के हवाले, क्योंकि शुरुआत रिशु से हुई थी इसलिए लास्ट भी रिशु से होगा। तो गाइस आई होप आपको ना हमारे आज के ब्लॉग में बहुत मजा आया होगा और हमने भी काफी एंजॉय किया। इस बहाने हम गोलगप्पे भी खा लेते हैं अपना, और हमारा चैलेंज वगैरह है वो भी हो जाता है। सो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सो बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते। बच्चों बाय कर दो।